आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज, मयूर याद अंसारी। आज हम तारिक शहर औरंगाबाद के जानना रोड पे आए हैं और आप देख सकते हैं खादिम तहसील साहब का कार्यालय है। और तमाम दर्शकों को बताते, देखने वालों को बता दें कि आज शिमायम की पार्टी के फाउंडेशन दिन यानी कि स्थापना दिवस है और पूरे हम समझते हैं कि औरंगाबाद में खासकर जहाँ जहाँ पर महाराष्ट्र में एमएम की यूनिट काम करते हैं, कार्यकर्ता है, उनकी स्थापना है वहाँ, वो वहाँ पर जोश उल्लोस देखा जा रहा है। इस तरह की रैली निकल रही है और परचम लहराए जा रहे हैं और बहुत कुछ देखने में आ रहा है। सर आज जिले पे जिला सदर है, आप क्या कहेंगे इसके बाद, आपका पैगाम क्या है? आज मैं सबसे पहले तो पूरे मुल्क के मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के जो सिपाही है तमाम को मेरी तरफ से और खासदार इम्तियाज जी साहब की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ कि आज मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की स्थापना होकर 64 साल हो चुके हैं। आज औरंगाबाद शहर के अंदर और पूरे ज़िले के अंदर खासतौर पर जो है तो अलग अलग जगहों पर मजलिस के कार्यकर्ताओं की तरफ से, सिपाहियों की तरफ से छोटे छोटे प्रोग्राम्स रखे गए थे। किसी ने घाटी के अंदर दवाइयाँ बांटे, फूड बांटे, ब्लैंकेट वगैरह बांटे, तो कई मदरसों के अंदर जो तो बच्चों को उनकी तालीम की चीज़ें मुहैया कराई गई। इसी तरीके से औरंगाबाद शहर के अलग अलग इलाकों के अंदर, पूरे ज़िले में अलग अलग तालुकों के अंदर जो तो आज परचम कुचाई जो तो मजलिस के सिपाहियों ने की है। इसी के साथ आज अभी अभी हम लोग जो है तो यहाँ पर खासदार इम्तियाज जल्ली साहब का जो नया ऑफिस यहाँ पर बनाया गया है दूध डेरी सिग्नल के ऊपर, वहाँ पर हम सब पूरे सिपाही यहाँ पर जमा है। इंशाल्लाह यहाँ से बाइक रैली की शक्ल में हम लोग किरापड़े में जाएंगे, वहाँ पर एक हालात हाजरा के ऊपर जो है तो जलसा रखा गया है कि किस तरीके से मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का 64 साल का सफ़र जो है तो मुल्क के अंदर रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो सफ़र रहा है खासतौर पे 64 साल के अलावा, अगर मजलिस का औरंगाबाद का अगर आप 8 साल का सफ़र देखेंगे तो ये सफ़र जो है तो फूलों के ऊपर नहीं किया गया, ये सफ़र कांटों के ऊपर हम लोगों ने किया है। जो शुरुआत के वक्त के अंदर जो मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का अगर कोई सिपाही अगर उसकी गाड़ी के ऊपर स्टिकर लगाता था तो उसके ऊपर गुनाह दाखिल कर दिया जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आज अल्लाह ने वो दिन दिखाया है कि आज अगर हमको कुछ कार्यक्रम करना है तो हम पुलिस से परमिशन नहीं लेते, हम सोशल मीडिया के ऊपर डालते हैं कि हम ये प्रोग्राम देने वाले हैं। पुलिस हमारे पास आती है, सर मत करिए ना, सर एप्लीकेशन दे दीजिए ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी और हमारी जो है तो इत्तेहाद का और मोहब्बत का निशानी है, सबूत है कि आज मजलिस का ये सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम तक पहुंचा है। सर आज इतना बड़ा खुशी का दिन है पार्टी का, यहाँ की जनता चाहेंगी विकास के काम के ठोस कोई योजना बोलो, कोई ऐलान बोलो कि हम इस मौके पर एक बहुत वैसे जैसे घर की योजना है, पानी की योजना है। पलटो भैया पीछे उधर उधर पलटो कैमरे उधर, 400 बेड का दवाखाना बन रहा है वहाँ पे, कितने बेड का? 400 बेड का, चलो ठीक है। यहाँ पे जो है तो एक पुतला बनने वाला था हमारे बड़े लीडर का, मगर हमारा मुतालबा ये था कि हमारे लीडर की इज्जत हमारे दिल में है, उनका कुछ और बनना चाहिए, मगर यहाँ पे एक जो है तो दवाखाना बनना चाहिए। जो दवाखाने के लिए पिछले 7 साल से खासदार इम्तियाज जल्ली साहब जब आमदार थे तब से मेहनत कर रहे हैं। 200 बेड की मान्यता जो है तो उन्होंने हाईकोर्ट से लड़ के लेकर आई थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज 400 बेड का दवाखाना यहाँ पर बन रहा है। 52,000 घर के, 52,000 घर का साथ देख, वो तो आपके सबके नजरों के सामने है ना कि कौन मेहनत कर रहा है, किसकी वजह से जो है तो ये लोगों को घर मिल रहा है। अगर 52,000 घर के अलावा अगर पूरे शहर को तसल्ली नहीं, इंशाल्लाह वो 52,000 घर के लोगों को उनका हक मिलेगा और वो घर की इंशाल्लाह बुनियाद औरंगाबाद शहर के अंदर बहुत जल्द रखी जाएगी।
Давай, Лелик.